अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ पार्ले 24 के गोल्ड के प्रोडक्ट। तो मैं इन सब का एक एक करके आपको रिव्यू दूंगा कि ये कैसा प्रोडक्ट है। तो मैं आज सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इसकी ब्लीच से। इसका तो सबको ही पता होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस ब्लीच है, हर लोकल मार्केट से इजीली मिल जाती है। पहले इसकी जो प्राइस थी 50 थी, अब ये इसकी 70 है नाउ। तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, सबको पता है इसका। ये आप अपने हेयर्स पे भी लगा सकते हैं और फेस के लिए तो बेस्ट है। तो आप अपने हैंड एंड फिट पे भी लगा सकते हैं। तो गाइस, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। 24 के गोल्ड क्रीम ब्लीच है, फेयरनेस एक्सपर्ट है। तो गाइस, इसका मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसी को देख के, मतलब सबसे पहले पार्ले वाले ने ये ब्लैक ब्लीच लॉन्च की थी 24 के गोल्ड। अब हर कंपनी ने इसे देखकर बना ली है। तो मैं आपको ये इसका सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर ये इस्तेमाल करें। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके बाद जो उन्होंने लॉन्च की, उन्होंने कहा इसका तो फीडबैक बहुत ही अच्छा है। तो इन्होंने सोचा कि हम अपनी वाइटनिंग क्रीम, साबुन और फेस पर भी बना लेते हैं। तो इसकी वाइटनिंग क्रीम की बात की जाए तो जैसे लोगों को पता था इसकी ब्लीच इतनी कमाल की है, तो फिर इसकी ब्यूटी क्रीम क्यों नहीं अच्छी होगी। तो लोगों ने इसी ब्लीच की वजह से ये ब्यूटी क्रीम लेना स्टार्ट की। तो मगर उन्होंने बहुत ही अच्छा किया क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। 24 के गोल्ड है। तो मैं आपको इसको खोल के दिखा दूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो मैं इसको खोलता हूँ जल्दी। तो ये देखें, ऐसी इसकी डब्बी है, बिल्कुल यूनिक टाइप की, थोड़ी मतलब स्क्वायर टाइप की है। तो मैं इसको खोल के मैंने आपको दिखाता हूँ ये कैसी है। ये देखें, ये अंदर से इस टाइप की येलो इसका शेड है अंदर से। इसकी धूप भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं आपको बताता हूँ लगा के अपने हाथ में, जो स्ट्रक्चर कैसा है इसका। थोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो ऑयली टाइप का है, जो उनकी जिनकी स्किन ऑयली है वो ना लगाए, जिनकी ड्राई वो इस्तेमाल करें, जिनकी ऑयली है वो सर्दियों में लगाए। क्योंकि ऑयली जिनकी स्किन ऑलरेडी होती है तो फिर फेस पे और मज़ीद ऑयल आ जाएगा, तो फिर इससे दाने बनते हैं, ये मसला होता है। तो मैं इसका रिव्यूज दूँ तो ये क्रीम जैसे ही लॉन्च हुई थी, मैंने जैसे फ़र्स्ट कस्टमर को अपने लिए मैंने उससे फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि भाई इसकी क्रीम बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैं आपको ये कहूँगा, आपने जब भी वाइटनिंग क्रीम लगानी हो ज़्यादातर सर्दियों में लगाया करें, क्योंकि सर्दियों में फेस थोड़ा ड्राई होता है, अच्छा रिजल्ट आता है क्रीम का, क्योंकि धूप वगैरह से भी बचते हैं लोग। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप लाजमी इस्तेमाल करें। तो इसके मैं अभी साबुन की बात कर लूँ, इसका साबुन भी बहुत ही अच्छा है। साबुन इसका देखता हूँ अंदर से, आपको शेप दिखाता हूँ कैसे। ये देखें, क्रीम से पहले आप फेस वॉश यूज़ करें या साबुन, दोनों में से जो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के एक ही काम है। क्रीम आप यूज़ करेंगे उससे पहले आपने फेस वॉश या साबुन से मुंह धोना है। इसके साबुन की भी सेम फ्रेगरेंस है, तीनों चारों चीज़ों की सेम फ्रेगरेंस है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आप सिंगल भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो आप दिन में दो बार लाजमी यूज़ करें अगर आप क्रीम इसकी यूज़ करते हैं। तो क्रीम लगाने से पहले इससे अपना फेस धो लें या इससे अपना फेस धो लें, दोनों में से किसी भी चीज़ से अपना फेस धो लें। इसका फीडबैक मुझे बहुत ही अच्छा मिला था, उनके सब प्रोडक्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रनिंग में चलते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसके सब प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। वाइटनिंग क्रीम अगर आपने करनी है तो यूज़ कर लें, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं करते वाइटनिंग क्रीम यूज़। मगर ये मैं आपको ये कह दूँ कि स्किन वगैरह ये लाल नहीं करती क्रीम बिल्कुल भी, क्योंकि 24 के गोल्ड है। और आप कहते हैं कि भाई रिजल्ट हैं, दो तीन दिन से रिज़ल्ट किसी भी चीज़ का नहीं आता, आपने प्रॉपर 7 डेज़, 8 डेज़ या 1 वीक, मतलब 2 वीक्स वगैरह यूज़ करें, फिर इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट आएगा। तो उनकी प्राइस की बात की जाए तो ये 350 की क्रीम है, ये 70 की है, ये 200 का फेस वॉश है, और इसके जो डिटेल है 150 है। ये इजीली हर शॉप से, लोकल शॉप से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती तो मैं अपने इंस्टाग्राम का क्या कहते हैं अकाउंट मेंशन कर दूंगा, आप मुझे वहाँ भी मैसेज करके ऑर्डर दे सकते हैं, मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। तो हमारा टॉपिक आज के लिए ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।